हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं? मज़े में। आज आप देखने वाले हैं नंबर ऑफ लेजिस्लेशन इन जीएसटी। इसका मतलब है नंबर ऑफ एक्ट इन जीएसटी। जीएसटी में कितने सारे एक्ट हैं, और जब आप ये जानेंगे ना कि जीएसटी में कितने एक्ट हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो सुना है कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि भाई जीएसटी का एक कानून होगा, लेकिन आपके होश अब उड़ने वाले हैं। जीएसटी में 35 कानून है, 35 एक्ट है। यस, 35 एक्ट इन जीएसटी। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस, देयर आर 35 जीएसटी एक्ट इन इंडिया। 35 जीएसटी के एक्ट है। एक तो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। एक कानून है जिसका नाम है सीजीएसटी एक्ट, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं इसको सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, तो हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएसटी एक्ट। एक कानून तो ये है, राइट। फिर हर स्टेट का अपना जीएसटी एक्ट है, हर स्टेट का भी अपना जीएसटी एक्ट है। जल्दी से बताइए स्टेट कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो जाए। जब भी हम जीएसटी में बात करेंगे तो स्टेट का मतलब क्या है? जो 28 स्टेट हैं वो तो स्टेट हैं ही, और 3 यूनियन टेरिटरी जिसका लेजिस्लेशन है वो भी अपने आप में क्या है? स्टेट है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। जीएसटी में तो उनको, उन यूनियन टेरिटरीज को क्या माना गया है? स्टेट ही माना गया है। तो 28 + 3, 31 स्टेट है, उन सब का अपना अपना जीएसटी एक्ट, तो 31 एसजीएसटी एक्ट है, राइट। तो 31 एसजीएसटी एक्ट है। अब ये एसजीएसटी एक्ट नहीं कहलाता है, एक्चुअली ये यूपी का होगा तो यूपी जीएसटी एक्ट कहलाएगा, बिहार का है तो बिहार जीएसटी एक्ट, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट, राइट। तो एक सीजीएसटी एक्ट हो गया और 28 + 3 = 31 एसजीएसटी एक्ट हो गया। उसके बाद एक है यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट। अब ये यूटी जीएसटी एक्ट किन के लिए है? वो 5 यूनियन टेरिटरी जिनका अपना लेजिस्लेशन नहीं है, जिनके अपने सीएम वगैरह नहीं होते, जहां इलेक्शंस नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको रूल करती है, वो वाली यूटी, वो 5ों यूटी का एक एक्ट है, राइट। तो एक यूटी जीएसटी एक्ट हो गया। अब एक एक्ट है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड, शॉर्ट में हम आई बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं एसजीएसटी एक्ट। हालांकि एसजीएसटी कुछ होता नहीं है, एसजीएसटी ये सबका, हर स्टेट का अलग अलग यहां नाम होगा, जैसे यूपी जीएसटी एक्ट होगा, एस नहीं बोलिए, इसको रिप्लेस हो जाएगा वो, यूपी जीएसटी एक्ट, एमपी जीएसटी एक्ट, महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट, लाइक दिस। ये हो गया शॉर्ट में, हम इसको बोलते हैं यूटी जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, ठीक है। एक यूटी जीएसटी एक्ट हो गया और एक आईजीएसटी एक्ट हो गया। तो कितने सारे एक्ट हैं भाई? एक सीजीएसटी एक्ट है, ओके। ये सब एक्ट में क्या होता है, सब सब बात करेंगे, अभी बस याद करते जाइए मेरे साथ साथ। परेशान नहीं होइएगा कि अरे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है आईजीएसटी एक्ट के बारे में। अरे कैसे पता चल जाएगा आपको, अभी तो हम लोग एक्ट का नाम जान रहे हैं, राइट। अभी कैसे जान जाएंगे कि ये क्यों है, क्या है? तो एक है सीजीएसटी एक्ट, 31 एसजीएसटी एक्ट, एक है यूटी जीएसटी एक्ट, एक है आईजीएसटी एक्ट। अब उसके बाद एक और है, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, ठीक है। अच्छा, 2017 तो सबके साथ ही लगा हुआ है, क्योंकि ये 2017 में आया था, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, ठीक है। अब ये भी एक है, तो कुल मिला के कितने कानून हो गए जरा सा देख लीजिए, ये हो गए टोटल 31 और 4 35 कानून, देखिए। और अब इन सभी एक्ट के तहत टैक्सेस लगते हैं, जैसे सीजीएसटी एक्ट के तहत जो टैक्स लगता है उसका नाम है सीजीएसटी, एसजीएसटी एक्ट के तहत जो टैक्स लगता है उसका नाम है एसजीएसटी। हालांकि एसजीएसटी नहीं होता,
हम बोलते हैं एसजीएसटी, लेकिन ये होता क्या है, जैसे यूपी में होगा तो इसका नाम होगा यूपी जीएसटी, बिहार में होगा तो बिहार जीएसटी इसका नाम होगा, राइट। फिर यूटी जीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट के तहत आईजीएसटी लगता है, यूटी जीएसटी एक्ट के तहत यूटी जीएसटी लगता है, और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट के तहत जो टैक्स लगता है उसका नाम होता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, राइट, जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब हम आपको पहले तो बताते हैं कि ये टैक्स लगता कहाँ है, फिर वापस से बताएंगे कि इस एक्ट के तहत ये टैक्स लगता है, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे इस बात को। अगर ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में होता है तो क्या लगेगा, विद इन स्टेट है तो लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। विद इन यूनियन टेरिटरी है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। अब ये यूटी की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन से यूटी की बात कर रहे हैं, वो पांच यूटी जिसका लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है। और जब स्टेट की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 28 प्लस 3 इनकी बात कर रहे हैं, और यूटी की बात कर रहे हैं तो पांच यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन आउटसाइड स्टेट ऑब्लिक यूटी होता है तो, आउटसाइड स्टेट ऑब्लिक यूटी होगा तो इस पर लगता है आईजीएसटी। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं यूपी का सप्लायर हूं और रेसिपेंट भी यूपी में ही है, तो पता है मैं जो जीएसटी लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। वैसे ही एक यूटी का नाम लेते हैं जहां पे लेजिस्लेशन नहीं है, लद्दाख पकड़ लीजिए, चंडीगढ़ पकड़ लीजिए, तो चंडीगढ़ के अंदर अगर ट्रांजेक्शन होगा तो वहां क्या लगेगा, चंडीगढ़ का ही सप्लायर है, चंडीगढ़ का ही रेसिपेंट है, तो क्या लगाएगा वो, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, ठीक है। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, सप्लायर कहां का है और रेसिपेंट कहां का है, ठीक है, टैक्स क्या लगेगा, सप्लायर है यूपी का और रेसिपेंट भी है यूपी का, तो इसमें लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, तो उसका एसजीएसटी का नाम क्या होगा, यूपी में यूपी होता है तो यूपी जीएसटी होगा, ठीक है। वैसे ही हम बात कर लेते हैं, अगर यूपी का सप्लायर है और रेसिपेंट बिहार का है तो क्या लगेगा, ये इंटर स्टेट हो गया तो यहां पे लग जाएगा आईजीएसटी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे बिहार का सप्लायर है और बिहार का ही रेसिपेंट है तो क्या लगेगा, तो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, विद इन स्टेट है एसजीएसटी लगेगा, तो एसजीएसटी की जगह बिहार वाले जीएसटी का नाम क्या होगा, बिहार जीएसटी, ठीक है। चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, यूटी, ये वाली कैटेगरी का यूटी है, यूटी विदाउट लेजिस्लेशन वाला है, तो यहां पे क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, यूटी जीएसटी जो होता है हर यूटी का अलग अलग नहीं बना है, मैंने बताया था कि पांचों यूटी का एक ही एक्ट है यूटी जीएसटी, याद है ना आपको, और 2803 इनका क्या है, अपना अलग अलग एक्ट है। जैसे दिल्ली भी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अगर दिल्ली का सप्लायर हो, दिल्ली का रेसिपेंट हो, तो यहां क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस दिल्ली जीएसटी लगेगा, यहां यूटी जीएसटी नहीं होगा, दिल्ली जीएसटी होगा, ठीक है। यूपी से हम दिल्ली में माल भेजें या दिल्ली से यूपी में भेजें, क्या होगा, आईजीएसटी। बस सीधा फंडा है, देखिए यहां तो देखना ही नहीं है फिर कि यूटी है कि स्टेट है, अगर चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो रहा है या यूटी चेंज हो रहा है, व्हाटएवर, ठीक है, सप्लायर का स्टेट और यूटी अलग है और रेसिपेंट का स्टेट यूटी अलग है, तो आईजीएसटी लगता है, ठीक है। फ्रॉम वन यूटी टू अदर यूटी ऑल्सो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी एक एग्जांपल दे दूं, चंडीगढ़ और इधर लद्दाख, यहां भी क्या लगेगा, आईजीएसटी, दोनों यूटी थे, आईजीएसटी। इतना क्लियर हो गया सबको, तो अलग अलग एक्ट का आप रूल समझ में आ रहा होगा कि अच्छा एक सीजीएसटी लगता है सीजीएसटी एक्ट के तहत, एसजीएसटी एक्ट के तहत एसजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी एक्ट के तहत यूटीजीएसटी लगता है, आईजीएसटी एक्ट के तहत आईजीएसटी लगता है, तो फिर ये क्या है, जीएसटी कंपनसेशन सेस। आइए
आपको मैंने बताया था कि जब जीएसटी लाने की बात हो रही थी तो बड़ी परेशानी हो रही थी, जीएसटी आ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तैयार ही नहीं थी, कह रही थी कि हम जीएसटी नहीं लाने देंगे। तो फिर जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कहा कि हम लोग नेशनल जीएसटी लाएंगे नहीं, हम लोग डुअल जीएसटी लाते हैं, इसमें रेवेन्यू आधी आधी हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की आधी, आधी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भाई पहले हमारा वैट और सीएसटी पूरा होता था, अब तुम जीएसटी में हमको आधा दोगे, ठीक है मानते चलो रेवेन्यू हमको मिलेगी, लेकिन मेरी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू से अगर कम हो गई तो हमको अभी जो पैसा आ रहा है वो जितना आ रहा है उससे अगर जीएसटी का आधा मिलने से कम पैसा हो गया तो यहीं पे मोदी जी एकदम नहले पे दहला खेलते हैं और जीएसटी आ जाता है। और वो क्या था, वही रियल बात अब आपको बताने जा रहा हूं, यही मेन मुद्दा है जिसकी वजह से जीएसटी आ पाया। और अब आप वो लाइन सुनने जा रहे हो, यहां पे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी। आपने कई बार मोदी जी को ये लाइन सुनी होगी, मोदी की गारंटी, सुना है? तो मोदी जी ने यहां स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी दी, कहा मोदी की गारंटी, ठीक है, कि आपको जितना रेवेन्यू मिल रहा है उससे अगर कम मिलेगा तो हम आपकी भरपाई कर देंगे डिफरेंशियल की, ठीक है। इनफैक्ट अभी आगे चल के जब हम जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में आपको बताएंगे ना, तो जो गारंटी दी गई थी वो 14% के कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के हिसाब से गारंटी दी गई। मतलब मोदी जी ने कहा आज कितना आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा 100 रुपया, मोदी ने कहा 114 रुपये की गारंटी, अगर 114 रुपया से कम तुमको जीएसटी आ गया तो बाकी पूरा पैसा फिर हम डिफरेंस भी देंगे तुमको, 114 रुपये की तो गारंटी है। अब स्टेट गवर्नमेंट, अब देखिए अगर हम एवरेज बात करेंगे ना, जो वैट और सीएसटी का ग्रोथ रेट था वो कितना था मालूम है? मतलब पूरे इंडिया का अगर एवरेज ले लेंगे तो 12% के आसपास का ग्रोथ ही था। मतलब किसी स्टेट की रेवेन्यू हर साल ग्रो करती थी 10% से, किसी की 11, किसी की 12, किसी की 13, 14 भी होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज 12.5% के आसपास का एवरेज ग्रोथ रेट था, ठीक है। और मोदी जी ने गारंटी दे दी कि भाई 14% की हम ग्रोथ रेट की भी गारंटी दे रहे हैं, तुम्हारा अगर अभी तक रेवेन्यू 100 रुपया था तो 114 रुपया जीएसटी से आएगा, फिर उसके अगले साल 114 का पे 14% और बढ़ा देंगे, इतना आएगा रेवेन्यू, अगर नहीं आता है जो डिफरेंशियल है वो हम देंगे और आपको। अब स्टेट गवर्नमेंट कह रही है यार इससे अच्छा क्या हो सकता है, और अगर ज्यादा आ गया तो तुम रख लेना, 114 की गारंटी है, अगर 150 भी आ गया तो तुम्हारा, अगर 114 नहीं आया तो डिफरेंशियल भी देंगे। अब ये बोल तो दिया गया लेकिन ये डिफरेंस दिया कैसे जाएगा? तो गवर्नमेंट ने एक और एक्ट बनाया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, स्टेट को कंपनसेशन देने के लिए कानून, और उसके तहत एक और टैक्स लगाया जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये सभी पे नहीं लगेगा, पता है ये किस पे लगेगा? ये सिर्फ और सिर्फ लगेगा सिन गुड्स पे और लग्जरी गुड्स पे। सिन गुड्स मतलब जिनको हम डीमेरिट गुड्स कहते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो बेकार हैं, अच्छी नहीं है, जैसे सिगरेट, तो सरकार ने कहा इस तरीके की चीजों पे हम लगाएंगे, राइट। दूसरा किस पे लगाएंगे? दूसरा लगाएंगे लग्जरी गुड्स पे, मतलब वो चीजें जो खराब हैं फिर भी आप यूज करते हो, सेन गुड्स पे लगाएंगे, और जो रईस लोग यूज करते हो उस पे लगाएंगे जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो जैसे कार पे लगती है जीएसटी कंपनसेशन सेस, कार पे लगता है, तो इस तरीके की जो लग्जरी गुड्स हैं उन पे लगाया जाता है ये। अच्छा अभी ध्यान दीजिएगा, अभी ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी है, चैप्टर का नाम भी ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा अरे जीएसटी कंपनसेशन के सेस के बारे में ना ज्यादा नहीं जाना, थोड़ा ही जाना, अरे तो अभी नाम ही बताना था, थोड़ा सा तो बोनस हो गया जो बता दिया आपको, ठीक है। अब बात ये आती है, सर इतना कुछ यानी क्या आप हमें 35 एक्ट पढ़ाने वाले हैं? 35 एक्ट पढ़ाएंगे? नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बच्चों। अब आओ मैं बताता हूं तुम्हें मैं कितने कानून पढ़ाऊंगा, कितने एक्ट पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए, सीजीएसटी एक्ट, हाँ भाई हाँ पढ़ना है, फिर 31 एसजीएसटी एक्ट है, तो क्या 31 एक्ट पढ़ना है? नहीं, सारे एक्ट कॉपी पेस्ट है। ओ यानी सर ये एक ही एक्ट है? हाँ, जैसे बिहार का जो जीएसटी एक्ट है, बिहार जीएसटी एक्ट है, उसी एक्ट को अगर यूपी जीएसटी एक्ट से कंपेयर करोगे ना, तो जहां जहां बिहार लिखा है वहां वहां यूपी लिख दिया गया, बस तुम लोग वर्ड फाइल में कॉपी रिप्लेस कमांड का यूज करना जानते हो ना, बस वही है, फाइंड एंड रिप्लेस, बस ऐसे ही किया गया है, राइट। तो ये पूरा का पूरा एक ही कानून है,
अच्छा, और ये जो कानून है ये कहां से कॉपी पेस्ट है? ये सीजीएसटी का कॉपी पेस्ट है। अच्छा सर, ये तो क्लियर हो गया, यानी एसजीएसटी पढ़ना ही नहीं है, सीजीएसटी का कॉपी पेस्ट है एसजीएसटी, और एक ही एसजीएसटी एक्ट का सारा कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो जितना सीजीएसटी लगता है ना उतना ही एसजीएसटी लगता है। जैसे मैं आपको यहां पे बता रहा था कि यहां सीजीएसटी लगेगा फिर यूपीजीएसटी लगेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 18% टैक्स का रेट होता है तो 9% ये लगता है, 9% ये, और अगर सिर्फ आईजीएसटी लग रहा है तो यही 18% लगेगा, अगर दो टैक्स लगता है तो वो आधा आधा हो जाता है। आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि किसकी रेवेन्यू किसको मिलती है, सब सीखेंगे अभी हम। तो यानी मुझे 31 एसजीएसटी एक्ट से कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है यूटीजीएसटी एक्ट, कॉपी पेस्ट है, जो सीजीएसटी एक्ट में है वही यूटीजीएसटी एक्ट में है, तो ये भी नहीं करना है। आईजीएसटी एक्ट, हाँ ये देखना है, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी बात डिफरेंट है। देखिए विद इन स्टेट होता है तो सीजीएसटी एक्ट के साथ एसजीएसटी लगता है, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर यूनियन टेरिटरी में होगा तो एसजीएसटी रिप्लेस हो जाएगा यूटीजीएसटी से, राइट, इतना तो हमें समझ में आता है। बस इंटर स्टेट होता है तो वहां पे आईजीएसटी आ जाता है, तो बस थोड़ी सी बात अधिक होगी इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड जो आईजीएसटी एक्ट में आपको देखना है। बाकी 98% चीजें, या आप कह सकते हो 99% चीजें वही है जो सीजीएसटी एक्ट में है, बट कुछ चीजें तो अलग होंगी फॉर जब हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो, राइट, तो बस उतना डिफरेंस थोड़ा सा जो है वो पढ़ना है। नेक्स्ट आता है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, ये दो पन्ने का पूरा एक्ट ही है, दो पेज का है, बस दो पन्ने के बराबर हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे, तो ये बात भी खत्म हो गई, बस इतना ही है। यानी कुल मिला के पढ़ना क्या है, सीजीएसटी एक्ट, सो दिस इज योर कोर्स, यही पढ़ना है आपको। तो 35 एक्ट नाम के लिए है सीजीएसटी एक्ट ये, ठीक है। आपके मन में एक बात आएगी, हालांकि इतना घुसने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मन में ये बात आएगी, और मैं चाहता नहीं हूं कि आपके मन में कोई भी बात रह जाए अगर आप मुझसे क्लास कर रहे हैं, कि सर जब कुल मिला के है एक ही चीज़ तो सरकार को क्यों इतना मजा आ रहा है, इतनी नौटंकी कर रहे हैं, इतना सारा कानून क्यों ही बना दिए। देखिए अगर हम सच बताएं आपको ना, तो शायद मनसा सरकार की भी ऐसी नहीं होगी कि इतना फजीहत करना है, लेकिन जब किसी से कोई चीज मनवानी होती है ना तो बात ऐसी करनी होती है, देख तेरे फेवर में ही सब हो रहा है। आप शायद उस सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे जब सरकार किसी भी हाल में जीएसटी को ला ही नहीं पा रही थी। आप देख तो रहे हैं, आपको ओरिजिन ऑफ जीएसटी मैंने बताया, कितने समय से यह प्रयास था, ठीक है। आप सोचिए गवर्नमेंट ने ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी जब आए तो स्टेट गवर्नमेंट की ना हर एक बात मान ली, आप ऐसे समझो स्टेट गवर्नमेंट जिद्दी बच्चे की तरह बैठा हुआ है और मोदी जी बाप है उनके, ठीक है, बच्चा जो कह रहा है करे, ओके ठीक है, ठीक है, मतलब मोदी जी ऐसे बोल रहे हैं कि बेटा तुझे ना पास होना है इस बार एग्जाम में, बच्चा कह रहा है कार दोगे पास होंगे, मोदी जी कह रहे हैं हाँ हाँ चलो, फिर बच्चा कह रहा है बाइक भी लेंगे एक नई, तो मोदी जी कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, मतलब ऐसे हो रहा था, ठीक है, बच्चा कह रहा है ड्रग्स लेंगे तो मोदी जी कह रहे हैं हाँ हाँ वो भी दे देंगे, ये हाल था। मैं आपको क्यों ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरीके से ना ये कानून लाना था, राइट। अभी मैं सारी बात नहीं बता पाऊंगा, अभी आगे भी चल के ना कुछ चीजें आएंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये अभी कुछ बातें और आएंगी तो आपको अजीब लगेगा, मैं कहूंगा देखो मानना था जीएसटी लाना था, ठीक है, राइट, तो किसी भी तरीके से ये इंट्रोड्यूस करना था, तो इसलिए ऐसा किया गया कि गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम एक्ट नहीं बनाने देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, अपना अपना कानून नहीं रहेगा तो उनको थोड़ी सी लिबर्टी नहीं लगेगा, लगेगा कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है, मनवा तो लिया सारी अपनी ही बात, कॉपी पेस्ट ही है, लेकिन दे दिया सब कुछ, छोड़ दिया, चलो ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट कर रही थी, कह रही थी ठीक है आधा आधा हो जाएगा रेवेन्यू, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें तो हम नहीं देंगे। जैसे एक चीज ऐसी है जिससे जो स्टेट में ये माल बिकता है उससे बहुत बड़ी रेवेन्यू आती है, और वो है दारू। आपको ये मालूम है कि नहीं कि अल्कोहल पे जो रेवेन्यू होती है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, तभी तो आप देखिए कुछ स्टेट में दारू बंद है कुछ स्टेट में चालू है, क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इसमें, ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि दारू हमारी स्टेट में बिकेगी कि नहीं बिकेगी,
मोदी जी कुछ नहीं कर सकते इसमें, इसीलिए कुछ स्टेट में बिकती है, कुछ स्टेट में नहीं बिकती है। और बहुत सारे स्टेट की तो समझ लीजिए पूरा स्टेट चलता ही है दारू की रेवेन्यू से, मतलब अल्कोहल से जो टैक्स आता है वो टोटल टैक्स कलेक्शन का 25-25-30% है। गोवा की बात कर लीजिए, गोवा में दारू से जितना टैक्सेस आता है वो टोटल टैक्स का 25-30% के आसपास होगा। अब बताइए वो गवर्नमेंट बंद कर सकती है दारू? बंद कर देगी, स्टेट बैठ जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। छोड़ दिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई हम दारू तो नहीं जाने देंगे आपके हाथ में, वो हम अपने हाथ में रखेंगे, हमको जैसे मन करता है वैसे चलाते हैं इसको। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, एक्सक्लूडिंग अल्कोहल कर रहे हैं जीएसटी। अभी तो आपको और भी चीजें बताएंगे, मतलब किस तरीके से इन बातों को मना के बस जीएसटी लाया गया, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट ने सारे पावर भी दिए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी एक्ट बनाएगी, हर सबके पास पावर होगा। हालांकि कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, देखिए। और फिर गवर्नमेंट ने अपील भी की स्टेट गवर्नमेंट से, कहा कि बताइए हम जीएसटी क्यों ला रहे हैं। ठीक है, देखिए एक होता है ना, पहले बच्चे को कह दिया हाँ देंगे, फिर बच्चा जब एग्जाम में पास हो गया, ठीक है, उसके बाद बोला पापा कार, तो पापा बोले बेटा कार कहाँ ही खड़ी करोगे, देखो पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। बेटा अगर कार पार्क करनी होगी तुमको तो देखो 2 किलोमीटर दूर जाके गैराज है, वहाँ पार्क करोगे। और तुमको रोज घर से जो जाना होता है, जहाँ पे तुम जाते हो वो सिर्फ 1 ही किलोमीटर दूर है, तो तुम 2 किलोमीटर दूर से कार लेके आओगे फिर 1 किलोमीटर दूर जाओगे, क्या ही फायदा होगा बेटा। ठीक है, एक काम करो अभी तुम रहने दो कार, ठीक है, अभी हम लोग अपने घर में खुद ही एक पार्किंग प्लेस बनाएंगे, फिर ले लेना कार। तो बेटा ने कहा हाँ ठीक है पापा, ये हुआ है, राइट। मतलब पहले तो राज्य सरकार को कहा गया कि भाई अपना कानून बना लो, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके बना लो, तुम्हारे पास पावर है, जो चाहे जो कर सकते हो, ये तुम्हारा कानून है। लेकिन फिर मोदी जी ने हाथ जोड़ के अपील कहा स्टेट गवर्नमेंट आपने अपना कानून बना लिया है, लेकिन अगर आपने इसमें परिवर्तन किया तो क्या होगा, जरा से ये समझ लीजिए आप, और आपको ठीक लगता है तो कर दीजिएगा, लेकिन जरा सोच लीजिए इससे क्या होगा। हमारे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून था, इसलिए हमारे देश में हर स्टेट अपने आप में एक अलग अलग मार्केट था। कोई स्टेट गवर्नमेंट फलाने आइटम पे टैक्स ही नहीं लेती थी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट 20% टैक्स ले रही है, तो भाई कोई भी एक्स स्टेट का बंदा वाई स्टेट से, मतलब जैसे ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाना चाहता हूं आपको, मान लीजिए यूपी में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, जो एक डीलर 100 रुपए का बेच रहा है, ठीक है, और यूपी में इस पे जो जीएसटी है वो 15% की है, वैट जो है 15% का है, वैट मान लो इस पे 15% का है, तो 15 रुपए लगा के 115 रुपए का ये बेच रहा है। बिहार में वही प्रोडक्ट ए जो डीलर है वहां का वो 110 में बेच रहा है, और वहां वैट निल है ही नहीं उस प्रोडक्ट पे, क्योंकि वैट एक तो हर स्टेट का अपना अपना होता था, ठीक है, वो 110 रुपए में बेच रहा है। अब एक बात बताइए, एमपी का एक डीलर है, उसे ये माल खरीदना है, वो कहां से खरीदेगा? यूपी से खरीदेगा, बिहार से खरीदेगा? वो बिहार से खरीदेगा, उसको सस्ता मिल रहा है। जबकि आपको पता है बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है? ये है बड़ा मैन्युफैक्चरर, ये 100 रुपए में माल बेच पा रहा है, इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर है, तब ये 100 रुपए में बेच रहा है, लेकिन फिर भी ये मजबूर है, अपने यूपी के बाहर माल नहीं बेच पा रहा है, देखो ना ये एमपी वाला नहीं खरीद रहा है इससे माल। इसीलिए हम कहते थे कि जीएसटी आने के पहले ना हमारा देश एक नेशनल मार्केट भी नहीं था, हर स्टेट अपने आप में अलग अलग मार्केट था, वो स्टेट वाला इससे खरीदेगा, ये बाहर वाला तो नहीं खरीदने वाला इससे। हमने हर एक स्टेट को एक अलग अलग मार्केट बना रखा था। देश तो हमारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था हम ग्लोबल मार्केट बनेंगे, अरे ग्लोबल क्या बनोगे, नेशनल तो बनो, दूसरे स्टेट का बंदा खरीद नहीं रहा है ये माल। अरे नेशनल मार्केट पता है किसको कहा जाएगा? नेशनल मार्केट का मतलब ये हुआ कि हम देश में उससे खरीदेंगे जो सबसे सही माल सबसे सही रेट पे दे रहा है। अरे सही रेट पे तो ये दे रहा है लेकिन खरीद नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ टैक्सेस, तो ये नेशनल मार्केट भी नहीं है, ग्लोबल मार्केट क्या बनेगा हमारा देश। जीएसटी लाया गया ताकि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट बन सके, वन मार्केट ही तो बनाना था, कैसे बनेगा वन मार्केट अगर हर स्टेट गवर्नमेंट अब जीएसटी एक्ट में खुरपेची कर दे, अपना अपना कानून घुसेड़ दे,
तो मोदी जी ने कहा हाथ जोड़ के विनती करते हैं खुरपेची नहीं करना, खुरपेची कर दिए तो फिर से हमारा देश जो है जो स्टेट मार्केट था ना इंडिविजुअल वो बन के रह जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा देश एक नेशनल मार्केट पहले अच्छा बने और फिर वो ग्लोबल मार्केट बने? अरे भाई जो यूपी स्टेट में अगर कोई बंदा बहुत अच्छा माल बना रहा है बहुत सस्ते रेट पे बना रहा है तो आपको नहीं लगता पूरा देश उसे खरीदे वो और ग्रो करे और फिर विदेश में भी बेचे उसको, राइट? लेकिन हम ऐसे मैन्युफैक्चरर को इंकरेज ही नहीं कर रहे हैं तो बात ही नहीं बन रही है। तो ये बात सबकी समझ में आई। और मैं आपको बताऊं आज जीएसटी आए इतने साल हो गए हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, ध्यान से सुनिए क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। कंजप्शन टैक्स तो सारे ही इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, मैंने आपको बताया है जब पहली क्लास कर रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जीएसटी नहीं इनडायरेक्ट टैक्स को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे थे तभी बताए थे कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे फॉल करता है। तो कंजप्शन टैक्स तो ये होता ही है कंज्यूमर क्योंकि इसे पे करता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को कौन देता है, व्यापारी के माध्यम से यह टैक्स जाता है, याद आ रहा है ना मैंने ऐसे आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो बर्डन हमारे ऊपर आता है हम ही सरकार को देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो बर्डन कंज्यूमर पे आता है और सप्लायर जो होता है वो सरकार को टैक्स पे करता है। मतलब हम कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है वो टैक्स पे करता है उस सप्लायर को जिससे उसने गुड्स एंड सर्विसेज लिया और वो सप्लायर फर्दर फिर गवर्नमेंट को उस टैक्स को पे कर देता है, राइट? ऐसी बात की थी हमने। तो कंजप्शन बेस्ड टैक्स तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो जीएसटी भी है तो अच्छी बात है, इस पर फोकस नहीं करना है। तो फोकस कहां करना है, इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। अब देखो कि बार बार मैं वैट वगैरह का नाम ले लेता हूं, अरे आप समझोगे ही नहीं। अब जीएसटी की क्या आपको ये बात आपको लग रहा है कि जैसे मैं ये जो समझाना चाहता था अगर वैट की बात ना करता तो आप समझ जाते, नहीं समझ पाते। आइए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, डेस्टिनेशन वर्ड को समझिए। जब पहले वैट होता था और सीएसटी होता था तो क्या होता था, उस जमाने की बात कर रहे हैं, यूपी का सप्लायर और रेसिपिएंट भी यूपी का, तो टैक्स कौन सा लगेगा और रेवेन्यू किसको मिलेगी। अब आपको यह मालूम है कि वैट और सीएसटी दोनों ही किसकी रेवेन्यू थी, स्टेट गवर्नमेंट की। अभी प्रश्न जो है वो उसको ध्यान से सुनिए, यूपी का सप्लायर यूपी का रेसिपिएंट है, टैक्स कौन सा लगेगा इस पे, वैट लगेगा, यूपी के अंदर वैट लगता है, रेवेन्यू किसको मिलेगी, रेवेन्यू यूपी गवर्नमेंट को मिलेगी भाई, सीधी सी बात है। लेकिन अगर यूपी का सप्लायर है बिहार में माल बेच रहा है तो टैक्स कौन सा लगेगा, सीएसटी लगेगा। देखिए ऐसी आदत पड़ गई है सीएसटी लिख रहे हैं सीजीएसटी लिखा जा रहा है, सीएसटी बरसों हो गए ना ये सब लिखे भी, ठीक है। तो यूपी का सप्लायर है बिहार का रेसिपिएंट है इस पे लगेगा सीएसटी, ठीक है। अब इसका टैक्स किसको मिलेगा, यूपी वाले ने बिहार वाले को माल बेचा और उस पे लगाया सीएसटी, ये किस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी, मिलेगी तो स्टेट गवर्नमेंट को, ये तो कंफर्म है। सेंट्रल सेल्स टैक्स इसको कहा जाता है, बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सोचते हैं कि ये सेंट्रल है तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ऐसे ही लिखा है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, चलो ये भी बता दूं आपको, सीएसटी जो है वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था कि ये रेवेन्यू तुम ही रखो, ठीक है। अब किस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी, प्रश्न यहां पर यह है, तो इसे ये मिलेगी यूपी गवर्नमेंट को, ठीक है। यूपी का सप्लायर ना सीएसटी लगाया है तो वो अपनी गवर्नमेंट को देगा, यूपी का सप्लायर अपने बिल में सीएसटी लगाया, बिहार वाले से पैसा लिया और सीएसटी उठा के अपनी गवर्नमेंट को दे दिया, यूपी गवर्नमेंट को दे दिया। अब जीएसटी आने के बाद क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए जीएसटी आने के बाद क्या हो रहा है।
यूपी का सप्लायर है, बिहार में माल बेच रहा है, क्या लग रहा है? आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी किसके पास जाएगा? सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी जिस स्टेट गवर्नमेंट का होता है उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, आईजीएसटी किसके पास जाता है? आईजीएसटी जाएगा पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से 50% दे देगी, पता है किसको? बिहार गवर्नमेंट को, जहां पे कंजप्शन हो रहा है, जहां माल जा रहा है, जहां का रेसिपेंट है उसको मिल रहा है, ठीक है, जहां से माल निकल रहा है उस गवर्नमेंट को नहीं दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले तो पूरा ले ले रही है जितना आईजीएसटी आया, और आधा जीएसटी अपने रख लेती है और आधा उस स्टेट गवर्नमेंट को देती है जहां माल कंज्यूम हो रहा है, मतलब कंज्यूमर जहां का है, सप्लायर जहां का है नहीं, जहां का कंज्यूमर है उस स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, जहां पे डेस्टिनेशन है कंजप्शन का वहां वाली गवर्नमेंट को मिल रहा है टैक्स, मतलब जहां का रेसिपियंट है, सीधे सीधे आप ऐसे कह लीजिए। यूपी से बिहार में माल बिकेगा तो बिहार गवर्नमेंट को फायदा होगा, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वाले कानून में यूपी से बिहार में माल जाता था तो यूपी गवर्नमेंट को फायदा होता था टैक्स का। अब ये भी एक बहुत बड़े पंगे की बात थी। अब देखिए कुछ गवर्नमेंट जो कुछ स्टेट जो है वो डेवलप्ड स्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, वो लोग माल बेचते ज्यादा है, ठीक है, और कुछ स्टेट ऐसे जो माल कंज्यूम ज्यादा करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। पता है हमारे देश के जो डेवलप्ड स्टेट है आप बता सकते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, डेवलप्ड स्टेट है वो कौन कौन से हैं? गुजरात नंबर वन पे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ये चार स्टेट ऐसे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, ये लोग बाहर माल ज्यादा भेज रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने इन स्टेट्स में माल ज्यादा बनता है, कंजप्शन कम है, तो कुछ स्टेट ऐसे होंगे जहां कंजप्शन ज्यादा होगी, माल कम बनता है, राइट, तो ये स्टेट तो अड़ गए कि ये क्या नाटक है, ये क्या नाटक है, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं तब लोग यहां पे धंधा करने आते हैं, तब बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, गुजरात गवर्नमेंट कह रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है हम इतना अपनी स्टेट में काम करते हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं हम इतना स्टेट में काम करते हैं, रोड बनवाते हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, तब ना बड़ी बड़ी कंपनी आके यहाँ पे फैक्ट्री लगाती है, यहाँ माल बनाती है, तब बाहर जाके बेचती है, तो उसका टैक्स हमको मिलना चाहिए कि जहां पे माल जाके बिक रहा है वहां पे टैक्स जाना चाहिए? ये सब नहीं चलेगा। अब कुछ स्टेट एकदम मस्त कि वार रजा, ये तो हम बैठे बैठाए रेवेन्यू आने वाली है, उसमें से एक थी गोवा, ठीक है, बिहार, इनमें कंजप्शन ज्यादा है, राइट, तो ये लोग मस्त है कि भाई अब हमारे पास टैक्स आएगा क्योंकि हमारे लोग खरीदते हैं माल, हमारे यहां से बाहर तो कम जाता है, कंपैरेटिवली आता ज्यादा माल है तो हमारे पास टैक्स ज्यादा आएगा, तो देवर हैप्पी। बट गवर्नमेंट ने उनको कन्विंस किया, समझाया कि एक बात बताइए, टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए? जिसकी जनता टैक्स पे कर रही है उसी गवर्नमेंट को तो मिलना चाहिए। अगर यूपी से माल बिहार में जा रहा है तो एक बात बताइए, टैक्स कौन दिया? यूपी से माल बिहार में जा रहा है तो बिहार वाले ने परचेस किया ना माल, तो टैक्स तो वो दिया, तो किस बिहार वाले ने अगर टैक्स दिया तो किस गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए? बिहार गवर्नमेंट को तो ही मिलना चाहिए भाई, जिसकी जिस स्टेट की जनता टैक्स पे कर रही है, ठीक है, उस स्टेट गवर्नमेंट को यह पैसा मिलना चाहिए। जो कंज्यूम कर रहा है वो टैक्सेस पे कर रहा है और वही गवर्नमेंट टैक्स लेगी, राइट तो जीएसटी को एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स बनाया गया। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स की प्रिंसिपल पे बना है। आप कहोगे वैल्यू एडेड टैक्स वैट, यस प्रिंसिपल वही है वैल्यू एडेड टैक्स, मैं समझाऊंगा अभी इसका मतलब। अभी देखिए मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेच रहा है, होलसेलर रिटेलर को माल बेच रहा है और रिटेलर कंज्यूमर को माल बेच रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेच रहा है 100 रुपया प्लस इस पे लगा रहा है जीएसटी 18 रुपया। अच्छा अभी मैं ना बार बार जीएसटी बोल रहा हूं, हालांकि आपको मैं बता दिया हूं कि जीएसटी टैक्स नहीं है,
टैक्स क्या है? अगर विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आउटसाइड स्टेट होगा तो आईजीएसटी। लेकिन हम छोड़िए, अभी इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी कुल मिला के वो जीएसटी है, हम सीधे जीएसटी बोल दे रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल दे रहा है 100 प्लस जीएसटी 118 में, होलसेलर अब इसी माल को रिटेलर को बेच रहा है मान लो 125 रुपये में, 125 रुपये का 18% कितना होता है बच्चों, 22 रुपये 50 पैसा, तो ये हो जाएगा 147 रुपया 50 पैसा। अब रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है, मान लेते हैं ये माल 200 रुपया का, तो इस पर 36 रुपये का जीएसटी लग जाएगा, कितना हो गया 236 रुपया। ये समझ में आया? मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 118 में बेचा है, होलसेलर रिटेलर को 147.50 में बेचा है, 18% जीएसटी का रेट है, ठीक है। तो जितने में बेच रहा है उस पर 18% जीएसटी लगते जा रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को 200 में बेचा, 18% जीएसटी लगा के 236 रुपया हो गया, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन में कौन कितनी जीएसटी सरकार को देता है? अब ये रहा गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी देगा, उसने होलसेलर से कितनी जीएसटी ली है, जल्दी बताओ, जितनी ली है उतनी देगा, कितनी ली, 18 रुपया देगा। होलसेलर गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी देगा, होलसेलर गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी देगा, उसने जीएसटी कलेक्ट कितनी की है रिटेलर से, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी का अल्टीमेट बर्डन ना कंज्यूमर ही बियर करता है, ये लोग बियर नहीं करते, ये लोग तो कलेक्ट करते हैं और देते हैं, व्यापारी का काम होता है जीएसटी कलेक्ट करना और देना, होलसेलर मैन्युफैक्चरर का काम था 18 रुपए की जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को देना, होलसेलर ने 22 रुपए 50 पैसे की जीएसटी कलेक्ट की है, लेकिन उसमें से 18 रुपए की जीएसटी जो है वो मैन्युफैक्चरर को दी थी, ठीक है, वो 22.5 रुपये कलेक्ट किया है, लेकिन 18 रुपये दिया भी तो है, होलसेलर क्या जीएसटी पे करेगा कभी भी, नहीं, लेकिन भाई किया तो है, 100 प्लस 18 118 का लिया था, व्यापारी को जीएसटी देना नहीं होता है, ठीक है। तो अब सरकार कह रही है 22.5 रुपये के जीएसटी में से 18 रुपये जो दे चुके हो वो घटा लो, बैलेंस हमको दे दो, तो होलसेलर क्या करेगा, 22.5 में से 22.5 में से घटाएगा 18 रुपया, ठीक है, और 4.5 रुपया दे देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आते हैं रिटेलर से गवर्नमेंट पे, ये कितना देगा, रिटेलर बेचा है 36 रुपया का, 36 रुपया कंज्यूमर से जीएसटी लिया है, ठीक है, 36 रुपये लिया है, लेकिन 22.5 रुपये वो होलसेलर को दिया था, सरकार को जीएसटी कितनी देनी होती है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट मतलब सेल का टैक्स, इनपुट टैक्स मतलब परचेज का टैक्स, ठीक है, ये याद रहेगा आपको कि मैं लिख दूं, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट कितना होता है, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट ये होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन सेल, और इनपुट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन परचेज, ठीक है। तो 36 में से 22.5 रुपया घटा दीजिए, कितना हुआ, 13.5 रुपया, तो गवर्नमेंट को मिला 18 रुपया, 4.5 रुपया और 13.5 रुपया, जब जोड़ लगाइए कितना पैसा गवर्नमेंट को मिला, 18 प्लस 4.5 प्लस 13.5, 36 रुपया गवर्नमेंट को मिला, ठीक है। अब मैं आपको ना अभी जो लाइन पढ़ी है वो तो बाद में सिखाता हूं, अभी तो मैंने ये पढ़ाया आपको प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, ये तो अभी बताता हूँ, उससे पहले एक चीज़ सिखाता हूँ जो पहले ही बताया था कि जीएसटी एक ऐसा कानून है जहाँ पे अल्टीमेट बर्डन विल फॉल ऑन कंज्यूमर, लेकिन ये टैक्स सरकार तक पहुँचता है व्यापारी के माध्यम से, इनडायरेक्ट टैक्स है, व्यापारियों के माध्यम से सरकार तक पहुँचता है, लेकिन अल्टीमेट कंज्यूमर पे ऊपर ही बर्डन आता है। एक बात बताइए, कंज्यूमर ने कितना टैक्स दिया है, 36 रुपया, सरकार को 36 ही रुपया तो मिला है, 3 व्यापारी मिलकर उसको दिए हैं, 18 रुपया मैन्युफैक्चर दिया था, 4.5 रुपया होलसेलर दिया, 13.5 रुपया रिटेलर दिया है, सरकार को मिला है 36 रुपया, कंज्यूमर ने दिया है 36 रुपया। ओह माय गॉड सर, आप जो इतनी बात हमेशा बोलते थे आज न्यूमेरिकली वो प्रूव हो गया कि ऐसा ही होता है, कंज्यूमर जितनी जीएसटी, जो लास्ट कंज्यूमर जितनी जीएसटी पे किया ना गवर्नमेंट को उतनी जीएसटी मिली है, लेकिन कंज्यूमर से नहीं मिली है, व्यापारियों से मिली है, जहां जहां से वो माल शुरू हुआ था, जैसे आप एक शोरूम से जाके एक जींस खरीद लिए, अब पता है आप उस जींस पे जितना जीएसटी दिए हो सरकार को उतना ही मिला है,
लेकिन आप उसको नहीं दिए हो, पता है जितना जीएसटी आप उस दुकानदार को दिए हो रिटेलर को, आप समझ लो उतना ही जीएसटी सरकार तक पहुंचा है, लेकिन थोड़ा सा मैन्युफैक्चर से पहुंचा होगा, थोड़ा होलसेलर से, थोड़ा सा उस रिटेलर से, ऐसे पहुंचा होगा। ओ समझ गए सर इस बात को, ठीक है। अब आते हैं, जीएसटी जो है वो एक वैल्यू एडेड टैक्स है। इसका मतलब होता है जो जितनी वैल्यू एड करेगा उतना जीएसटी पे करेगा, ठीक है। रिटेलर ने कितने का वैल्यू एडिशन किया, क्या आप बता पाएंगे रिटेलर का वैल्यू एडिशन कितना है? रिटेलर का वैल्यू एडिशन, रिटेलर 125 रुपए के माल को 200 में बेचता है, पता है इसका वैल्यू एडिशन कितना है? 75 रुपया। होलसेलर ने वैल्यू एडिशन कितना किया? होलसेलर भाई साहब तुमने वैल्यू एडिशन कितना किया? इसने वैल्यू एडिशन किया है 100 का माल 125 में बेचा है, यानी 25 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। कितने रुपए का ये वैल्यू एडिशन किया? 100 के माल को 125 में, मतलब 25 रुपए की वैल्यू एडिशन। रिटेलर भाई साहब ने 75 रुपए की वैल्यू एडिशन किया। हर कोई जितना वैल्यू एडिशन कर रहा है ना, सरकार को उतना ही टैक्स दे रहा है। जीएसटी का रेट कितना था? 18%। तो 75 रुपए का 18% करो, 13.50 रुपये। 25 रुपए का 18% करो, 4.5 रुपये। अब देखिए यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर मान रहे हैं, यही फर्स्ट मैन्युफैक्चर है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैन्युफैक्चर भी दूसरे मैन्युफैक्चर से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा हो, ठीक है। तो अब चेन और बड़ा हो जाएगा, अभी इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, आगे चल के सब आप देखेंगे। अब यही पहला मैन्युफैक्चर था, तो भाई इसने तो कहीं से कुछ लिया नहीं था, ये खुद ही बनाया है सब, तो ये 100 रुपये का वैल्यू एडिशन पूरा यही किया है। अगर मान लो ये भी 10 रुपये का खरीद के फिर 100 रुपये में ये बेचा होता, ये मैन्युफैक्चर भी कहीं से रॉ मटेरियल 10 का खरीद के फिर ये बेचा होता, तो 90 की वैल्यू एडिशन होती। तो बैकवर्ड चले जाएंगे, एक स्टेप और फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही आएगी। तो इसने पूरा पूरा वैल्यू एडिशन किया है 100 रुपए का, ठीक है। इसने तो कहीं से कुछ खरीदा नहीं, यही पहला मैन्युफैक्चर है, ही इज द फर्स्ट मैन्युफैक्चर। तो ये 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, 18% यानी 18 रुपये। आप ध्यान दीजिए, जिसने जितनी वैल्यू एडिशन, जिसने जितनी जीएसटी दी है वो वैल्यू एडिशन का ही टैक्स दिया है। इसने 18 रुपए दिया था तो अपने वैल्यू एडिशन का टैक्स दिया है। इसने 4.5 रुपए दिया था तो देखिए इसने जितना वैल्यू एडिशन किया उसी का टैक्स दिया है। इस रिटेलर ने भी जितना वैल्यू एडिशन किया था उसी का टैक्स दिया है। हर कोई अपने वैल्यू एडिशन का टैक्स पे कर रहा है। क्लियर है आप सबको, राइट? तो इसीलिए कह रहा है जीएसटी एक वैल्यू एडिशन टैक्स है। अच्छा आगे देखते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स के बाद क्या और बोल रहा है ये। GST emphasizes on voluntary compliance and on account-based reporting and monitoring system. हमारे देश में ना जितना भी कानून है सब voluntary compliance है। voluntary compliance का मतलब क्या होता है कि हम खुद से अपना टैक्स बताते हैं। इनकम टैक्स में भी यही होता है, राइट? हम खुद से अपनी इनकम, अपना टैक्स बताते हैं। सरकार नहीं बताती कि तुम्हारी टैक्स इतनी है, ठीक है, तुम्हारी इनकम इतनी है, हम बताते हैं, ठीक है। जीएसटी में भी यही voluntary compliance, हम खुद से बताते हैं मेरी सेल कितनी है, क्या है। लेकिन अब तो अब जमाना बदल गया है, गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल सिस्टम बना रखा है, अंडमंड बताओगे तो ट्रेस हो जाओगे, ठीक है। लेकिन आज भी वॉलंटरी कंप्लायंस है, गवर्नमेंट नहीं बता रही कि आपका इतना है, ठीक है, आप ही डिस्क्लोज करते हो कितना कितना है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेवी इनवाइसेज टैक्स कलेक्शन ऑन मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। कह रहा है ये कॉम्प्रिहेंसिव लेवी है, सिंगल लेवी है, एक ही टैक्स लगता है मैन्युफैक्चर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सब पे, ठीक है। तो पहले मैन्युफैक्चर पे अलग लगता था एक्साइज ड्यूटी, सेल ऑफ गुड्स पे लगता था वैट और सीएसटी, और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस है, प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस है, इस पे लगता था सर्विस टैक्स। क्या क्या लगता था पहले? मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज ड्यूटी, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी, गुड्स का सेल तो वैट या फिर सीएसटी डिपेंडिंग अपॉन कि इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, और सर्विसेज अगर हम देते थे तो सर्विस टैक्स। ये सब मर्ज हो गया, बन गया क्या? जीएसटी। जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर्स पॉइंट टू द रिटेलर्स पॉइंट लेवल, कंज्यूमर लेवल, देयर बाई टैक्सिंग ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। ये बात मैंने आपको समझा दी है कि हर बार आपको टैक्स क्रेडिट मिलती रहती है। टैक्स क्रेडिट मिलने का मतलब, टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है इनपुट टैक्स घटा सकते हो, कहीं लिखना हो तो हिंदी में लिख लो। टैक्स क्रेडिट का मतलब इनपुट टैक्स घटा सकते हो आउटपुट टैक्स से।
अगर हम ये कहते हैं ना कि आप इनपुट टैक्स घटा लो आउटपुट टैक्स से, तो आपको भी मुझे ना टैक्स क्रेडिट मिलती है, राइट। तो ये जीएसटी में होता है, आपको टैक्स क्रेडिट मिलती है। तो इसकी वजह से हर स्टेज में जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, उतने का ही टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है। ये तो मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया, हर स्टेज में जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है। दस ओनली द फाइनल कंज्यूमर बियर्स द जीएसटी, और फाइनल कंज्यूमर ही जीएसटी पूरा बियर कर रहा है, ये भी दिखा दिया मैंने लास्ट एग्जाम्पल में, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किया है। 36 रुपया कंज्यूमर दे रहा था, 36 रुपया ही सरकार को मिला था, ठीक है। बी एस द जीएसटी चार्ज बाई द लास्ट सप्लायर, और वो अमाउंट बराबर होता है किसके, जो लास्ट सप्लायर जो होता है ना वो उतना ही कलेक्ट भी करता है। देखो लास्ट सप्लायर 36 ही कलेक्ट किया था, कंज्यूमर 36 बियर किया, लास्ट सप्लायर 36 ही कलेक्ट किया, और सारे मिला के गवर्नमेंट को 36 रुपया दिए। और अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो हर कोई जितना वैल्यू एडिशन किया उतना दिया, ठीक है। ओनली द फाइनल कंज्यूमर बी एस द जीएसटी चार्ज बाई द लास्ट सप्लायर इन द सप्लाई चेन विद सेट ऑफ बेनिफिट फॉर ऑल द प्रीवियस स्टेजेस, हर प्रीवियस स्टेज का सेट ऑफ मिलते जाता है, मतलब आप पूरा जो आपने परचेज किया है उसका आप क्रेडिट लेते जाते हो। सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स अंडर जीएसटी, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स और कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी सिस्टम। Since only the value added at each stage is taxed under GST, हर स्टेज में क्या होता है कि जितना वैल्यू एडिशन है उतने पे ही GST लगती है, तो इससे कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। तो ये सब क्यों बता रहा है कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, कास्केडिंग, कास्केडिंग का मतलब ही होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, कास्केडिंग का मतलब भी टैक्स ऑन टैक्स ही होता है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि पहले के जमाने पे टैक्स पे भी टैक्स लगता था, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के, मैं बताता हूँ पहले क्या होता था, इसलिए ये बोल रहा है। पहले हम 100 रुपये का, एक मैन्युफैक्चरर था वो बोलता था हम 100 रुपये का माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो 100 रुपये पे पहले वो लगाता था एक्साइज ड्यूटी, लगाएगा, ये मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग की ड्यूटी भी तो इसको लेनी पड़ेगी। मान लो एक्साइज ड्यूटी 20% थी तो ये लगाता था 20 रुपया, हुआ 120 रुपया। अब मान लो इसके ऊपर फिर लगता था वैट, सेल वाला टैक्स, वैट या CST लगेगा, और ये मान लो 10% है तो ये लगता था 12 रुपया, 120 रुपये पे 10% 12 रुपया, ये हो जाता था 132 रुपया। क्या आप ये ध्यान दे पा रहे हैं कि 10% इसका नहीं लगा है, 10% इसका लगा है, तो टैक्स पे भी टैक्स लग गया कि नहीं, इस 20 रुपये पे भी वैट लग गया कि नहीं, लग गया। तो पहले के जमाने पे ना टैक्स पे भी टैक्स लगता था, अब सिंस एक ही टैक्स हो गया तो टैक्स पे टैक्स वाली कहानी ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, वही बता रहा है। अरे देखो कितना फायदा है, GST कितना प्यारा है, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है इसके में, टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर जब इतना ही अच्छा है, इतना ही प्यारा है, तो इतना क्यों हाय तौबा हल्ला हुआ रहता है जीएसटी को लेके। अगर किसी को याद हो तो जीएसटी जब आने वाला था तो उसके पहले सूरत में तो जन सैलाब आया था। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है ना तो आप लिखो गूगल पे, लिखना सूरत प्रोटेस्ट, सूरत प्रोटेस्ट बिफोर जीएसटी लॉन्च, कुछ इस तरीके का देखना, आपकी रूह खड़ी हो जाएगी ये देख के। और जो लोग सूरत के हैं वो तो ये जानते ही होंगे, देखे होंगे वो पूरी, मतलब ऐसे लग रहा था पूरा सूरत सड़क पे आ गया है। क्यों? क्योंकि जीएसटी जब लाया गया ना तो टेक्सटाइल पे 5% का जीएसटी लगाया गया, और सूरत पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सिर्फ कपड़ा ही तो बिकता है, ठीक है। और जीएसटी आने के पहले जो वैट CST था उसमें टैक्स होता ही नहीं था, ठीक है, टेक्सटाइल पे टैक्स नहीं था, और अचानक से ये टैक्स आ गया तो अब वहां बवाल हो गया एकदम, ठीक है। तो लेकिन भाई एक बात तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने देखा है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, देश में कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रोटेस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कोई भी चीज ना तो वो होके रहती है, चाहे कुछ भी कर लो, इतना तो इतने सालों में सीख लिया। और अब ये व्यापारी भी जान गए कि भैया कोई प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का फायदा वायदा नहीं है, अगर सरकार ने डिसाइड कर लिया तो वो हो के रहेगा। पहले पता है क्या होता था, कोई भी चीज सरकार करना चाहती थी, लोग आंदोलन पे बैठ जाते थे, वो चीज हो नहीं पाती थी। अब कुछ भी हमारे देश में होता ही नहीं था, क्यों? क्योंकि कुछ लोग आंदोलन पे बैठ गए, कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग भूख हड़ताल कर दिए। ये सरकार कहती है जो करना है करो, ठीक है, तुम हड़ताल करोगे तुम्हारी हड़ताल रोक देंगे, ठीक है, हम जो कहें वो तो हो के रहेगा।
ठीक है, बट मेरा ये मकसद नहीं है आपको बताना कि देखिए जबरदस्ती हो रहा है, राइट, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है। देखिए क्या है ना कि अच्छा बुरा से मतलब नहीं होता है, हमें जिस चीज की आदत होती है ना हमें वो चीज कंफर्टेबल लगती है। और ये सब मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपको ना कानून एकदम अंदर से समझ में आना चाहिए, आप फील करना चाहिए आपको कानून, ठीक है, क्योंकि आपको इसी कानून में अपना पूरा जीवन बिताना है, ठीक है, यही तो आप करेंगे, ठीक है, यही सब चीज आपके इर्द गिर्द घूमेगा, तो आपको इसे ना पूरा घोट लेना है, अपना लेना है इसको, इसकी अच्छाई बुराई सब आपके अंदर है। जैसे मेरे मोहल्ले में ना बड़ी पथरीली रोड है, लेकिन पिछले 10 साल से मैं उस पर बाइक चला रहा हूं, 15 साल हो गए मुझे बाइक चलाते उस पर, और मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना कि उस पथरीले पे भी दादा मस्त एकदम बाइक चलाते हैं एकदम, ठीक है, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, आंख भी बंद कर लेंगे ना तो भी चला लेंगे उस पर, कहां इतना गड्ढा गुड्ढी है सब, कहां ब्रेक लगना है क्या लगना है सब ऐसे ही मालूम है, हम अपना दाएं बाएं देखते रहते हैं लेकिन सब मालूम है, इतना आइडिया हो गया है, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब ये मोदी जी आए और वहां पे एकदम प्लेन चिकनी रोड बना दी एकदम हेमा मालिनी की गाल की तरह। आप बोलोगे सर ये कौन सी बात है हेमा मालिनी गाल, हेमा मालिनी पता नहीं आप इतने नए जमाने के हो, हेमा मालिनी कभी सुने भी होगे कि नहीं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, और ये जो लाइन है ये मेरी लाइन नहीं है, मुझे याद आ गया अचानक से, ये लालू प्रसाद यादव की लाइन है। अब आप कहोगे लालू प्रसाद यादव कौन है, ये किसी जमाने में बिहार के चीफ मिनिस्टर रहा करते थे, और इतने सालों तक वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं कि वो कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू बिहार में बना रहेगा लालू, राइट। उन्होंने एक बार अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग की स्पीच दे रहे थे, मेरे दिमाग में अभी भी वो लाइन बैठी हुई है, मैं बहुत छोटा था लेकिन वो लाइन मेरे दिमाग में अभी भी बैठी हुई है, वो बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार बिहार में दोबारा से आएगी तो हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, मतलब वो चिकनी बना देंगे, वो कहना चाहते थे, वो अजीबोगरीब बोलते भी थे, ठीक है, उनका अलग ही स्टाइल था, वो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे लेकिन पूरे देश में प्रसिद्ध थे, ठीक है, आप जानते हो ना कि नहीं, अब आप नहीं जानते होगे, हो सकता है पता नहीं। तो अब आइए वापस से हम आते हैं भाई मोदी जी पे आते हैं, हम कहां चले गए थे, लालू प्रसाद यादव पे। तो मोदी जी ने एकदम चिकनी रोड बनवा दी वहां पे, ठीक है, अब हम रोज गिर जाते हैं वहां पे, बाइक चलाते रोज गिर जाते हैं, ठीक है। फिर मीडिया वालों ने आए हमसे पूछे, उसी मोहल्ले में सर्वे कर रहे थे, पूछे कि अब यहाँ पे इतनी सुंदर रोड बन गई है आप लोगों को कैसा लगता है, तो सबसे पहले तो हम गए, हटो हटो हटो, ये कैसन चौपट रोड बनी है, रोज गिर रहे हैं हम यहाँ पे, पहले कितनी मस्त रोड थी एकदम धकाधक झूलते झालते एकदम आराम से जाते थे, रोज सरक जा रही है हमारी गाड़ी, रोज गिर जा रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि हमारी आदत नहीं है, बस ये बात है। आपने मोहब्बतें मूवी देखी है, उसमें अमिताभ बच्चन यही लाइन बार बार दोहराते थे, मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, यही हमारा देश ही है, एक बहुत इनर बात बता रहे हैं अपने देश की, हमारे देश को परिवर्तन पसंद नहीं है। अब कुछ भी चेंज करेंगे ना सामने वाला आंदोलन करेगा, अच्छा बुरा इससे मतलब है ही नहीं, बदलना नहीं चाहिए कुछ देश में, बदलेगा हम बवाल करेंगे, दिस इज व्हाट आवर कंट्री इज, हम एडॉप्ट ही नहीं कर पाते चेंज को, हमें चेंज ही खराब लगता है, खराब अच्छा हम देखते ही नहीं है, हम चेंज को ही खराब मानते हैं, अंडरस्टैंड दिस, राइट। एक बात सोचिए, जब हम बार बार आपको कह रहे हैं इतने सारे कानून को हटा के जीएसटी लाया गया, तो फिर दिक्कत क्या थी, व्यापारी तो ज्यादा कंप्लायंस कर रहा था पहले, अब तो एक कानून की कंप्लायंस करनी है तो तकलीफ कम होनी चाहिए ना। और मैं आपको बता दूं, पुराने टैक्स रेट जो थे उससे टैक्स रेट भी कम हुआ है। अरे सर ये क्या आप बोल रहे हैं, जीएसटी में टैक्स रेट कम हुआ है, हाँ बहुत कम हुआ है। दूसरी चीज कि इतने सारे कानून हटे जिसकी कंप्लायंस बर्डन कितनी हाई रहती है,
व्यापारी इसकी रिटर्न पर जमा कर रहा है, एक्साइज की कर रहा है, वैट की कर रहा है, सीएसटी की कर रहा है, कितने कानून का पालन कर रहा है? एक कानून का पालन कर रहा है, टैक्स रेट भी कम है। तो फिर दिक्कत क्या है? परिवर्तन पसंद नहीं है ना। राइट अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ओपिनियन अभी इतना जल्दी फॉर्म कर लेंगे जीएसटी अच्छा है बुरा है। देखिए धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, ठीक है, और समय समय पे आपको और अधिक बातें पता चलती रहेंगी। मैं कभी भी ओपिनियन नहीं देता, आपको इस लायक बनाने की कोशिश करता हूं कि आप अपनी ओपिनियन खुद फॉर्म कर सके, ठीक है। तो जीएसटी कह रहा है देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स, फिर जीएसटीएन, अब ये क्या है? जीएसटीएन एक कंपनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये कंपनी है, ठीक है। जीएसटीएन एक कंपनी है और ये कंपनी ही पूरा जीएसटी का नेटवर्क बनाई है, इसीलिए इसका नाम ही है जीएसटी नेटवर्क, ठीक है। ये पूरा नेटवर्क, ये जो वेबसाइट वगैरह जीएसटी की देख रहे हो, ठीक है, उस पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, फिर उसके बाद रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर, मतलब जितना कुछ है ये पूरा सिस्टम जीएसटीएन का बनाया हुआ है, ठीक है। इस जीएसटीएन में इसकी इक्विटी शेयर होल्डिंग जानते हो आप कैसी है? इस कंपनी की इक्विटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 24.5% है, ठीक है। फिर सभी ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट का मिला के क्यूमुलेटिव 24.5% है, यानी 49% हो गया। अब बाकी बचा प्राइवेट कंपनीज के पास है, 51% उनके पास है। अगर आप जानना चाहेंगे इस प्राइवेट कंपनी में, तो मैं इसकी भी बाइफर्केशन बता दूंगा आपको। इसमें है एचडीएफसी के पास, एचडीएफसी बैंक के पास, एचडीएफसी एक अलग कंपनी है, एचडीएफसी बैंक एक अलग कंपनी है, हालांकि अब दोनों मर्ज हो गई हैं, ठीक है। तो जिस समय इनकी इक्विटी थी ये पहले अलग अलग थी, फिर ये फाइनली ये दोनों मर्ज हो गई, ठीक है। देन आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। देन इसके बाद एनएससी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इन सब के पास मिला के 51% है। इसके पास 11% था, बाकी उस समय ये लोग 10-10% लिए थे, ठीक है। बाकी ये कंपनी मर्ज हो गई तो 20% इसके पास इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो ये है जीएसटी, जिसने पूरा जीएसटी का नेटवर्क बनाया है। ये लोग जो फ्रंट एंड आप देख रहे हो, वेबसाइट फ्रंट एंड जो सामने से एज एन यूजर हमें दिखाई दे रही है, ये तो पूरा जीएसटीएन का बनाया हुआ है। बाकी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन्होंने बैकएंड भी बनाया हुआ है। मुझे जहां तक आइडिया है 20 स्टेट गवर्नमेंट और 5 यूनियन टेरिटरी इन्हीं से बैकएंड भी बनवाई है। तो मतलब ऐसे समझ लिए पूरा जीएसटी का जो पूरा नेटवर्क है ना, सब पूरा जीएसटीएन बना के रखी हुई है, ठीक है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम भी आ रही थी, मैं आपको बताऊं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ बड़ी कंपनीज ने ये मना कर दिया, कहा कि हम जीएसटी का अपना रिटर्न का डाटा जो होता है इस पे अपलोड नहीं करेंगे जीएसटीएन पे, क्योंकि इसमें प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो मेरा डाटा उनके पास एक्सेस हो जाएगा। जैसे रिलायंस कंपनी मना कर दी, कही कि हम तो नहीं इस पे भरेंगे जीएसटीएन नेटवर्क पे, हम अपना जीएसटी का रिटर्न नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे हमारी सेल परचेज सब किसको पता चल रही है? प्राइवेट प्लेयर्स को। तो गवर्नमेंट ने एक बताया कि नहीं भाई, ये इस पे हमारा कंट्रोल रहेगा, डाटा पे कंट्रोल हमारा रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से कन्विंस किया गया, जो भी इनको बातें समझाई गई किस तरीके से डाटा इंक्रिप्टेड होगा, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा, तो फिर फाइनली ये एग्री हो गया कि लोग अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो अदरवाइज कुछ बड़ी कंपनियों ने एक बार इसके अगेंस्ट हो गए थे। Has been set up to provide a shared IT infrastructure and services to central government and state government, taxpayer and other stakeholder. By central government, state government, taxpayer, other stakeholders, implementation of GST के लिए जितना infrastructure है, IT infrastructure, वो सब इन्होंने बनाया है। कुछ function हम बता देते हैं आपको GSTN के क्या क्या है। Facilitating registration, आप registration करा सकते हैं GST के portal से, ये इन्होंने structure पूरा बनाया। रिटर्न बना के हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं, जो हमारी सेल हुई उस पर कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ, ये जो रिटर्न बनाते हैं हम जीएसटी का, ये पूरा सिस्टम जीएसटीएन का है। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, अच्छा अब देखिए, मैं यूपी का व्यापारी हूं, ठीक है, मैं यूपी का डीलर हूं,
मैं अगर यूपी में माल बेचूंगा तो क्या लगाऊंगा? सीजीएसटी और यूपीजीएसटी, ठीक है। और यही मैं बिहार में माल बेचूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? आईजीएसटी, ठीक है। मैं सीजीएसटी लगाऊंगा और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दूंगा। मैं यूपी का डीलर हूं, अपना यूपीजीएसटी यूपी वाले गवर्नमेंट को दे दूंगा, ठीक है। अब यूपी वाले डीलर्स को कहा जा रहा है कि आप आईजीएसटी लगाइए, ठीक है। बिहार में बेचा तो, अब ये महाराष्ट्र में बेचा तो भी आईजीएसटी लगाया, ठीक है। फिर ये किसी और स्टेट को बेचा तो फिर उसमें भी आईजीएसटी लगाया, महाराष्ट्र को बेचा, देन मध्य प्रदेश को बेचा, सब में आईजीएसटी लगा रहा है, ठीक है। तो अब ये यूपी वाला डीलर जब अपनी रिटर्न जमा करता है तो बताता है कि भाई हमने यूपी को इतना माल बेचा, बिहार को, महाराष्ट्र को, एमपी को, सबको बता दिया कितना कितना माल बेचा है, इसका सीजीएसटी यूपीजीएसटी जमा कर दिया, इन सबका मिला के आईजीएसटी जमा कर दिया। तो अब ये सारा पैसा पहले तो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसा आधा आधा किसको देना है? उस रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे माल कंज्यूम हो रहा है। मैंने तो बताया डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। तो जो यूपी का डीलर आईजीएसटी बिहार वाली सेल पे दिया है उसका दो बंटवारा होगा, इस आईजीएसटी का दो टुकड़ा होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और बाकी बचा बिहार गवर्नमेंट को देगी। तो ऐसे समझिए, जब हम आईजीएसटी जमा करते हैं ना तो इसमें एक कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। क्या कंप्यूटेशन? कि मेरे आईजीएसटी में से हर स्टेट वाले आईजीएसटी का, मेरा जो बिहार वाला सेल का आईजीएसटी है उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा बिहार गवर्नमेंट को जाएगा। हमने जो आईजीएसटी जमा किया है, यूपी के हम डीलर हैं, हमने जो जीएसटी जमा किया है महाराष्ट्र वाली सेल का, आईजीएसटी जो महाराष्ट्र वाली सेल का जमा किया है उसका आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये हिसाब भी तो बैठाना है, ठीक है। फिर मेरे जैसे कई सारे लाखों डीलर्स हैं, उन सब का हिसाब बनाना है कि इसमें से यूपी का इतना, बिहार का इतना, राइट, हर आईजीएसटी का टुकड़ा करना है। तो ये पूरा टुकड़ा ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कौन कर रहा है? जीएसटीएन, वही बता रहा है कि कैसे आईजीएसटी की कंपटीशन, उसकी सेटलमेंट किसका कितना है, सब बन जाता है। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क। अब जैसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, ठीक है, तो पेमेंट गेटवे से कंफर्मेशन आ जाती है जीएसटी के पास ऑटोमेटिक, हाँ ये पेमेंट हो गई, तो फिर हम उससे टैक्स की पेमेंट कर लेते हैं, राइट। मतलब ऑनलाइन टैक्स पेमेंट का नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क के साथ सिस्टम बैठाना ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो ये उन्होंने बना रखा है। प्रोवाइडिंग वेरियस एमआईएस रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन। एमआईएस रिपोर्ट बना के देना, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, मतलब जिस भी तरीके की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि एक काम करो, हमें ना सेक्टर वाइज जीएसटी कलेक्शन चाहिए कि ऑटोमोबाइल से कितना आया, ठीक है, एजुकेशन से कितना आ रहा है हमको, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज से कितना आ रहा है, फार्मा सेक्टर से कितना आ रहा है, हमको सब अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो इससे पता चलता है, अच्छा इस इंडस्ट्री में इतनी कलेक्शन आ रही है, इस इंडस्ट्री में इतनी कलेक्शन, ताकि प्लानिंग वगैरह के डिसीजन हो सके। तो मतलब जिस भी तरीके की रिपोर्ट चाहिए, एक लाख वैरायटी होती है इन रिपोर्ट्स की, जिसे गवर्नमेंट एनालाइज करती है, ये सब कौन बना के दे रहा है? जीएसटी। प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल। अभी तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जीएसटी में ये प्रावधान है कि जितने भी जीएसटी के डीलर्स हैं ना, मतलब हम जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन लिए, तो हमारी ना प्रोफाइल की एक ग्रेडिंग होगी, ग्रेड मिलेगा हमको। जितने भी व्यापारी हैं उनको एक ग्रेड मिलेगा जीएसटी में, ए प्लस, ए बी प्लस, इस तरीके से जो भी उनका ग्रेड का सिस्टम होगा, क्योंकि अभी आया नहीं है, ठीक है, तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्या होगा ग्रेड, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि ग्रेड सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा और ये कैसे बनाया जाएगा? आप जीएसटी की कंप्लायंस जितनी अच्छी है, आप अपनी टाइमली रिटर्न जमा कर रहे हो, टाइमली टैक्सेस जमा करते हो, तो उसके हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होगी, ठीक है। तो कोई भी आपका ग्रेड जो है ऑनलाइन चेक कर सकता है जीएसटी के पोर्टल पे। जैसे मैं आपसे ना माल खरीदना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि पहले आप सही व्यापारी हो कि नहीं हो, अपना जीएसटी जमा करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, रिटर्न रिटर्न जमा करते हो कि नहीं, क्योंकि हो सकता है टैक्सेस वगैरह की आप चोरी कर रहे हो, तो आप एक गड़बड़ व्यापारी हो, हम आपके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहेंगे। तो हम जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे और चेक करेंगे, आपका जीएसटी नंबर डालेंगे, ठीक है, और आपका जीएसटी नंबर डाल के हम चेक कर लेंगे कि आपकी ग्रेडिंग क्या है, ठीक है। अच्छा, जीएसटी नंबर डालेंगे तो हो सकता है आप इतने नए हो ना, अभी बच्चों जीएसटी शुरू किया, तो आपको लग रहा हो जीएसटी नंबर कैसे पता चलेगा? बेटा, जीएसटी के कानून में लिखा हुआ है कि जीएसटी का नंबर ना तो अपने
ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमाइसेस के बाहर चिपका के रखना है, एकदम बोर्ड लगा देना है। आप स्टडी एट होम में भी आओगे ना तो जीएसटी नंबर देखोगे बाहर लिखा हुआ है। आप किसी होटल जाइए, रेस्टोरेंट जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह जीएसटी नंबर बाहर ही लिखा होता है। ध्यान से देखना पड़ेगा, मिल जाएगा। नहीं तो जे अंदर घुसिए तो दुकान में कहीं एकदम प्रोमिनेंट जहां पे कैशियर बैठा होगा, पैसा लेने वाला या कैश काउंटर होगा, वहीं पे लगा होगा। ये जीएसटी के कानून में लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर कोई छिपाएगा नहीं अपना, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जीएसटी नंबर राह चलते बाहर से बाहर ही कोई भी देख के जा सकता है। ठीक है, और ये कानून में है, अगर नहीं करेंगे ऐसा ना तो उसकी पेनाल्टी होती है बड़ी लंबी चौड़ी। तो जीएसटी नंबर हर कोई चिपका के रखता है बाहर। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जीएसटी से अब कोई भी व्यापारी जो मुझसे डील करना चाहता है वो मेरा ग्रेड देख लेगा। ठीक है, तो ग्रेड देख लेगा तो उसे डिसाइड कर लेगा भाई मेरे साथ काम करना है कि नहीं करना है उसको। ये सब क्यों गवर्नमेंट ने किया? गवर्नमेंट कही कि तुम हमको जीएसटी अगर नहीं दोगे ना समय पे, तुम तुम्हारा धंधा ही चौपट कर देंगे। हाँ, मतलब ग्रेडिंग चौपट कर देगी सरकार। तुम जीएसटी सरकार को समय पे मत दो, रिटर्न समय पे मत दो, ग्रेड खराब कर देगी। ग्रेड खराब कर देगी, कोई भी देखेगा कहेगा इसका तो ग्रेड बहुत खराब है यार, ये अच्छा व्यापारी नहीं है, तुमसे माल भी नहीं खरीदेगा, तुम्हारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। देख रहे हो सरकार को, कह रही मेरे साथ गलत करोगे तुम्हारे साथ इतना गलत हो जाएगा कि तुम देखते रह जाओगे। अब इंसान कहेगा धंधा बाद में करेंगे, कोई ग्राहक कैसे खड़ा होगा लास्ट डेट पे ना, जीएसटी रिटर्न की लास्ट डेट है, कहेगा ग्राहक को हटो, पहले जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पहले तुमको माल नहीं बेचेंगे, पहले रिटर्न जानी चाहिए सरकार की। अच्छा, अभी ग्रेडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि अभी बहुत नॉन कंप्लायंसेस है। अगर सरकार अभी ग्रेडिंग लाती ना तो सबकी ग्रेड पहले ही चौपट हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार कह रही है पहले तुम लोग सही हो जाओ, कायदे से हो जाओ, कुछ लोग जब खराब रहेंगे बस तब हम एक काम करेंगे ग्रेड लाएंगे, तो किसी का अच्छा किसी का खराब होगा। अभी सरकार कह रही है ग्रेड ला दिए तो सभी का खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी रुका हुआ है। रनिंग अ मैचिंग इंजन फॉर मैचिंग रिवर्सल रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बड़ा डिफिकल्ट है आपको ये लाइन समझाना कि ये क्या फीचर है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको कि ये पूरा का पूरा ना ऑनलाइन मैचिंग वाला सिस्टम सरकार बना रखी है। जैसे मैं एक व्यापारी हूं, आपको मैंने माल बेचा है, ठीक है, तो जैसे ही मैं अपनी सेल की एंट्री मारूंगा जीएसटी पोर्टल पे, मतलब जीएसटी में अपनी रिटर्न फाइल करूंगा सेल की, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने आपको माल बेचा है, तो ऑटोमेटिक आपकी परचेज दिखाई देगी, आपको आपकी परचेज दिखाई देगी। आप समझे बात को? तो अब सरकार ने ना ये मैचिंग वाला सिस्टम बना लिया है। इससे बहुत जबरदस्त कंट्रोल है। अब एक बात समझिए, हर व्यापारी जिससे आप माल खरीदते हो सब अपनी सेल रिटर्न भरता है, तो आपकी परचेज सरकार को पता है। पता है आप चोरी करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। जैसे आपने साल भर में 6 करोड़ का माल खरीदा है, ये सरकार को पता है। क्यों? क्योंकि जितने भी व्यापारी ने आपको माल बेचा है सबने अपनी सेल रिटर्न फाइल की, उसमें बताया, तो आपकी परचेज है 6 करोड़। अब आप तो सोच रहे थे कि हम तो अपनी सेल बताएंगे नहीं किसी को कि कितना माल बेचे, हम बताएंगे 1 ही करोड़ का माल बेचे। सरकार के लिए 6 करोड़ का खरीदे हो तो बेचे तो ज्यादा का ही होगे ना। बेवकूफ समझाया क्या? आप खुद ही ट्रेस हो जाओगे। अब सब चीज ऑनलाइन मैचिंग हो रही है। ठीक है, तो मैचिंग रिवर्सल रिक्लेम सब धीरे धीरे ही समझ में आएगा। अभी आप इनपुट टैक्स रेट को नहीं समझते हैं तो इट्स डिफिकल्ट। तो आप ऐसे समझिए, इस तरीके के सारे मैकेनिज्म जीएसटीएन बना के दिया है। ठीक है, कुल मिला के ये भी नहीं समझना था, समझना था सिर्फ इतना कि जीएसटीएन एक कंपनी है जिन्होंने जीएसटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फ्रंट एंड बैक एंड सब इन्होंने ही बनाया है। तो आप जितना कुछ भी जीएसटी पोर्टल पे कर रहे हैं या सरकार जितनी इंफॉर्मेशन वहां से डराइव कर रही है, वो सब जीएसटीएन ने बना के दिया है। आज की क्लास के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। इसे आपने एक बार तो सुन लिया है, दोबारा एक बार और रिवाइज कर लीजिए स्टार्टिंग क्लासेस पे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड बनाइए अगली क्लास देखने से पहले। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।